सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर पाई नेटवर्क वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से केवाईसी के रिगार्डिंग और साथ ही पाई माइग्रेशन के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट्स को लेकर के आया हूं। सो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक भी सिंगल स्टेप आप अगर इसमें मिस कर जाओगे तो आप एक बहुत बड़े अपडेट से ही चूक सकते हो। और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और साथ ही फ्रेंड, आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप सिंपल इसमें क्लिक करके आज से ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं लगभग सभी अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपलोड करता रहता हूं डे टू डे। सो फ्रेंड्स, आप पाई की एप्लीकेशन को ओपन करते ही आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है रिमेंबर टू कंप्लीट मैनेट चेकलिस्ट। मतलब आप जब तक आपके चेकलिस्ट को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपकी केवाईसी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि लगभग 1,00,000 लोगों की पर डे केवाईसी अभी हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं पता चेकलिस्ट को कैसे कंप्लीट करना है तो आप इसमें देख सकते हो बाच वीडियो, आप इस वीडियो को देख करके भी अपना चेकलिस्ट को कंप्लीट कर सकते हो, और नहीं तो आप ये जो साइड में देख रहे हो चेकलिस्ट में क्लिक करके ये सभी चीजें ग्रीन होनी चाहिए। जब तक ये ग्रीन नहीं होगी तब तक आपकी केवाईसी की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप अपना चेकलिस्ट को पहले कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपका केवाईसी नोटिफिकेशन आना 100% कंफर्म है। और साथ ही फ्रेंड, आप डे टू डे अपने माइनिंग को जरूर से जरूर एक्टिव कर दे। और साथ ही आपने अगर अभी तक पाई नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप सिंपल इसमें क्लिक करके आज से ही पाई की माइनिंग को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सो फ्रेंड्स, अभी हम देख लेते हैं पाई माइग्रेशन में क्या नया अपडेट्स आया है। आपको सिंपल ही ये जो ऊपर 3 लाइन इसमें क्लिक करना है और पाई ब्राउजर में आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आप हमेशा ही आपने पाई का ब्राउजर में जाए तो आप पाई नेटवर्क एप्लीकेशन से ही इसमें एंटर करें, इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने पाई ब्राउजर में आओगे तो पाई वॉलेट में आपको जाना है। तो फ्रेंड्स, आप जो ये ऊपर देख रहे हो आपका मेन बैलेंस, अगर आपका बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे जो अवेलेबल बैलेंस है ये 0 अगर दिखाई दे रहा है तो आपको सिंपल ये जो आप देख रहे हो माइग्रेट का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे दिखने लगेगा, मतलब इस बैलेंस को आप पीयर टू पीयर या माइग्रेशन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास यहाँ पे 1634.68 पाई बैलेंस है, लेकिन मेरे अवेलेबल बैलेंस में 816.33 पाई ही माइग्रेट हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने इसका 50% 2025 तक लॉक कर दिया हूँ, इसलिए इसका 50% ही मेरे अवेलेबल बैलेंस में आया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही से आने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस में लाता रहता हूं डे टू डे। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले कि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन YouTube की तरफ से सबसे पहले आपको मिले। और आपने अगर मेरे इस चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रखे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट और एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, हैव फन।